हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बात डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। फॉर दैट आप इस जॉब का बात सारा चीज डिटेल्स में जान पाएं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कितना सैलरी दिया जाएगा, और आप इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका बात सारा चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आप इस फॉर्म को 22 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 30 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम जून 2022 में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी अनरिजर्व OBC कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज पे करने होंगे। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा, और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज 18 साल होने चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होने चाहिए एंड 27 साल होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 10th पास होने चाहिए। इसमें वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 8,000 है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, क्या आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव पेपर टेस्ट के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर वन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स कैरी करेगा। पेपर वन एग्जामिनेशन देने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। पेपर टू डिस्क्रिप्टिव, तो देखिए इसमें 4 टेस्ट है और इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, जो कि 50 मार्क्स कैरी करेगा और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस टॉपिक वाइज, तो देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से नंबर सिस्टम HVF LCM परसेंटेज एवरेज टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस CI एंड FI ज्योमेट्री मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री DI एलजेब्रा फिर 25 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग फे नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी ओड वन आउट फिलोजिफ डायरेक्शन फेंस रैंकिंग नॉन वर्बल पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मिरर इमेज एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज काउंटिंग फिगर ब्लड रिलेशंस मैट्रिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फिर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए अफोर्ड द एरर फिल इन द ब्लैंक्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आइडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में देखिए करंट अफेयर्स इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पार्टनिंग टू स्पोर्ट्स हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक फिन जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एस्थेटिक GK एटसेट्रा फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फॉर देट आप लोग एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं।
फिर इनपुट ले लीजिए इफ को। अब देखते हैं फेलरी। तो देखिए फिटी एक्स वाई जेड बेसिक पे फिटी एक्स वाई जेड में 18,000 दिया जाएगा। हाफिंग रेंट अनाउंस फिटी एक्स में 4,320 रुपया दिया जाएगा। फिटी वाई में 2,880 रुपया दिया जाएगा। फिटी जेड में 1,440 रुपया दिया जाएगा। डियर नेम्स अनाउंस किसी भी फिटी में नहीं दिया जाएगा। ट्रेवलिंग अनाउंस फिटी एक्स में 1,350 रुपया दिया जाएगा। फिटी वाई में 900 दिया जाएगा। फिटी जेड में 900 दिया जाएगा। ग्रोथ सैलरी फिटी एक्स में 23,670 रुपया दिया जाएगा। फिटी वाई में 21,780 रुपया दिया जाएगा। फिटी जेड में 20,340 रुपया दिया जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम फिटी एक्स वाई जेड में 1,800 दिया जाएगा। फिजी एचएफ फिटी एक्स वाई जेड में 125 रुपया दिया जाएगा। फिजी ई जीआईएफ फिटी एक्स वाई जेड में 1,500 दिया जाएगा। टोटल डिडक्शन फिटी एक्स वाई जेड में 3,425 रुपये का किया जाएगा। इन हैंड सैलरी फिटी एक्स में 20,245 रुपये दिया जाएगा। फिटी वाई में 18,355 रुपये दिया जाएगा। फिटी जेड में 16,915 रुपये दिया जाएगा। पर्क्स एंड बेनिफिट्स पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल तो देखिए इसमें पोस्ट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद प्यून गार्डनर वॉचमैन जूनियर ऑपरेटर गेटकीपर ड्राफ्टरी ये सब में से एक पोस्ट दिया जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से पार्ट ट्रेनिंग नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।